Dear students, welcome to Elite. I am Chandan Jha, your English trainer. In this video, we are going to learn about Golden Rule of English. Dear students, इस वीडियो में हम लोग Golden Rule of English सीखेंगे. क्या आपको subject और verb के use में problem होती है? क्या आपको पता नहीं चल पाता कि यहाँ पर subject singular है या plural, verb singular होगा या plural, कौन सा verb singular होता है, कौन सा verb plural? अगर आपको दिक्कत होती है तो यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल का मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो इसको जानने से पहले आपको वर्ब जानना होगा कि कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है, कौन सा वर्ब प्लूरल होता है। तो वर्ब यहां पर दो तरह का होता है। पहला मेन वर्ब। मेन वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं जिसकी हिंदी होती है और उसके अंत में ना होता है। जैसे प्ले, प्ले का हिंदी होगा खेलना, लास्ट में ना है। रीड मीन्स पढ़ना, लास्ट में ना है। तो इस तरह के वर्ब को हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। इसके पांच फॉर्म्स होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5। B1 यानी बेस फॉर्म, जिसे आप डिक्शनरी फॉर्म भी बोलते हैं, यह प्लूरल होता है। यानी वर्ब अपने नेचुरल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होता है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब हम लोग लगाएंगे। यानी यू प्ले होगा, ही प्लेज होगा। अब हम लोग बात करें B5 की, तो B5 हमेशा सिंगुलर होता है। B2, B3, B4 सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लग सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स की। इसकी संख्या 24 है। 11 को प्राइमरी ऑक्सिलियरीज बोलते हैं और 13 को मॉडल ऑक्सिलियरीज। तो मॉडल ऑक्सिलियरीज किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसकी संख्या 13 है और ये है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर और यूज टू। ये 13 मॉडल्स हैं। इसका यूज आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, लेकिन शैल एक एक्सेप्शन है। तो शैल का यूज सिर्फ आई और वी सब्जेक्ट के साथ होता है, बाकी के साथ शैल का यूज नहीं करते हैं। अब हम लोग बात कर ले ऑक्सिलियरीज की। ऑक्सिलियरीज की संख्या होती है 11 प्राइमरी ऑक्सिलियरीज की। ये हैं इज, एम, आर, वाज, वर, पांच। इस पांच को हम लोग बोलते हैं बी, यानी वर्ब टू बी। इसमें इज और एम सिंगुलर है और आर प्लूरल है। तो आर का यूज हम लोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता है। इज, एम, आर का यूज हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में वाज, वर का यूज करते हैं। वाज सिंगुलर है, इसलिए वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। वर प्लूरल है, तो वर का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। नेक्स्ट हैज, हैव, हैड। इस तीन को हम लोग हैव बोलते हैं। हैज और हैव का यूज प्रेजेंट में होता है और हैड का पास्ट में। हैज का यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई अपवाद है, आई एक्सेप्शन है, इसलिए आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, हैज नहीं। पास्ट में हैड का यूज होता है सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप हैड ही यूज करेंगे। नेक्स्ट डू, डज, डिड। इसको हम लोग डू बोलते हैं। डू डज का यूज प्रेजेंट में होता है और डिड का पास्ट में। डू का यूज हम लोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहां भी आई एक्सेप्शन है, आई के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे, डज का नहीं। डिड का यूज हम लोग पास्ट में करते हैं और इसका किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई अंतर नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट्स, यहां एक और बात ध्यान देने की है कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, क्योंकि सिंगुलर में भी यू का यू होता है, प्लूरल में भी यू का यू ही रहेगा। यानी सिंगुलर प्लूरल यू का यू ही होता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, चाहे वर्ब सिंगुलर हो या
सॉरी चाहे यू सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा. फॉर एग्जाम्पल यू आर ए डॉक्टर, यहाँ यू सिंगुलर है फिर भी हमने वर्ब आर लगाया. दूसरा एग्जाम्पल यू आर डॉक्टर्स, आप सब डॉक्टर्स हैं, तो यहां पर यू प्लूरल है फिर भी आर लगा, यानी प्लूरल वर्ब ही लगा. अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल नंबर टू. रूल नंबर टू है जब हम लोग सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, चुनते हैं, तो हम मेन सब्जेक्ट को ही कंसीडर करेंगे, उसके डिफाइनिंग वर्ड्स को कंसीडर नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ नेस्ले चॉकलेट्स, यानी नेस्ले के चॉकलेट्स की कीमत, यहां पर चॉकलेट्स है लास्ट में लेकिन ये सिंगुलर है क्योंकि द प्राइस यहां पर आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट है, तो वर्ब यूज होता है ओरिजिनल सब्जेक्ट के हिसाब से ना कि उसके डिफाइनिंग वर्ड्स के हिसाब से, इसीलिए द प्राइस के कारण यहां पर आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. इसकी पहचान है कि अगर सब्जेक्ट 5-6-4 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हो तो पहला वर्ड प्रीपोजिशन से पहले जो यूज है पहला वर्ड वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है. जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, या वन ऑफ प्रीपोजिशन से पहले यूज हुआ तो वन के हिसाब से वर्ब आएगा. वन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, या फ्रेंड्स देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो हमारा सेंटेंस होगा वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर कहना गलत है. नेक्स्ट रूल, रूल नंबर थ्री, अगर नाउन या प्रोनाउन कुछ खास एक्सप्रेशन के साथ जुड़े हों तो पहले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब यूज होगा. ये एक्सप्रेशंस हैं एज वेल एज, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एकम्पनीड बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गवर्न्ड बाय, रादर देन एंड नॉट. इसके साथ जुड़े हुए नाउन या प्रोनाउन में जो पहला नाउन प्रोनाउन होगा उसी के हिसाब से सब्जेक्ट आपका वर्ब आएगा. फॉर एग्जाम्पल मिसेस शर्मा विथ हर सन एंड डॉटर इज स्लैश आर गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग, यहां पर इज होगा आर नहीं होगा क्योंकि मिसेस शर्मा पहला नाउन है जो विथ के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप इज यूज करेंगे, क्योंकि मिसेस शर्मा सिंगुलर है इसलिए इज यूज होगा आर नहीं होगा. अगला एग्जाम्पल ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इज स्लैश आर कमिंग टुडे, यहां पर इज होगा क्योंकि ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है लेकिन ही पहला प्रोनाउन सिंगुलर है इसीलिए इज होगा. रूल नंबर फोर, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो हम लोग वहां पर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, जैसे राहुल एंड मोहन आर होगा, मुजफ्फरपुर एंड पटना आर होगा. लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो एंड से जुड़ने के बाद भी सिंगुलर बने रहते हैं. ये एक्सप्रेशंस हैं ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टीडी, राइज एंड फॉल, बैग एंड बैगेज, हॉर्स एंड कैरिज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड खरी. ऐसे एक्सप्रेशंस हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, यहां पर विन द रेस कहना गलत होगा, विंस होगा क्योंकि स्लो एंड स्टीडी हालांकि एंड से जुड़ा है फिर भी इसे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बता दूं कि अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसे आप सिंगुलर कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, हमारा वाटर सिंगुलर कहलाएगा, यानी वाटर इज कलरलेस. ऑलराइट, तो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.